प्रदेश के ऊपर कुदरत का कहर जारी है। आसमान से बरसती आफत ने 10 साल पहले आई उत्तराखंड त्रासदी की याद दिला दी है। कुल्लू में ब्यास नदी उफान पर है, जिसने खूब जमकर सितम जहाया है। तस्वीर देखकर हर कोई हैरान है। ब्यास और उहल नदियां समेत कई नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति जिलों में है। कसौल, कुल्लू और मंडी में कई गाड़ियां ब्यास नदी में बहती नजर आई। कई इलाकों में घर तक बह गए। भारी बारिश का असर सरकार की ऑल वेदर रोड परियोजना के साथ साथ अन्य प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ा है। हिमाचल प्रदेश आपदा प्राधिकरण के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश सरकार को 785.51 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इस तबाही को लेकर एक बात साफ कही जा रही है कि चौड़ी सड़कें ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट इसके पीछे का कारण है, जिसमें ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। हालांकि हिमाचल सीएम का कहना है कि ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। नमस्ते, मैं हूं मानसी और आप हैं मंच पर। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश ने ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट को काफी नुकसान पहुंचाया है। हाल फिलहाल साइट पर कामकाज भी पूरी तरह से ठप है। बारिश की वजह से 1239 सड़कें बंद हैं, 3 नेशनल हाईवे बंद हैं, जिसमें मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे, लाहौल स्पीति का नेशनल हाईवे और शिमला चंडीगढ़ हाईवे शामिल है। ये तीनों ही फिलहाल बंद है। साथ ही अटल टनल को भी बंद कर दिया गया है। BRO यानी की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की योजना बारिश के चलते प्रभावित है। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने के लिए 16,580 फीट की ऊंचाई पर श्रृंखला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण रोक दिया गया है। इस योजना का 2025 में पूरे होने का अनुमान जताया गया है। जब से ऑल वेदर रोड से जुड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तब से नुकसान काफी हो चुका है। प्रकृति संग खिलवाड़ किया जा रहा है। इस बारे में पर्यावरणविद भी डर जता चुके हैं। हिमाचल के कुछ जिलों में जोशीमठ जैसी भूमि धंसने का भी डर जताया गया है। यहाँ तक कि पर्यावरण ग्रुप्स ने केंद्र सरकार से किन्नौर जिले में पिछली परियोजना के निर्माण को रोकने का आग्रह किया था, जिसमें कम से कम 22 छोटे और बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। फोल्डिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इन दिनों परवानो, सोलन, शिमला, ढली, NH-22 का काम वर्क इन प्रोग्रेस में है। पिंजोरे, बंडी, नाहलगढ़ NH-21A DPR अंडर प्रिपरेशन है। शिमला, मटोर NH-88 DPR अंडर प्रिपरेशन है। इसी के साथ पठानकोट, चक्की, मंडी NH-20 DPR अंडर प्रिपरेशन है। गारामौरा, सवारघट, मंडी, मनाली NH-21 वर्क इन प्रोग्रेस है। इस पर भी असर पड़ा है। शिमला के ऊपरी इलाकों में हर मौसम में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सुरंगों का भी निर्माण कार्य जारी है, जिसे भारी बारिश के चलते रोका गया है। कोटखाई, हाटकोटी सड़क पर खड़ा पत्थर के नीचे और जिलों के भूमि से गिरे डोडरा कवार क्षेत्र को जोड़ने के लिए सुरंगों का निर्माण होना है। कीरतपुर मनाली प्रोजेक्ट, जिसकी लंबाई 197 किलोमीटर, इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1818.47 करोड़ है। 14 टनल्स और 3 टोल प्लाजा, लेकिन भारी बारिश से कंस्ट्रक्शन साइट पर काफी असर पड़ा है और करोड़ों का नुकसान हुआ है। इस बीच NHAI के अधिकारियों ने भारी बारिश को देखते हुए मोर्चा संभाला हुआ है और जो हाईवे बंद है उन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि वनों की कटाई, अस्थिर निर्माण जैसे मानव जनित कारकों ने बारिश से संबंधित घटनाओं से होने वाली क्षति को बढ़ाया है। नदियों के किनारे होते कंस्ट्रक्शन, पहाड़ों पर चलती मशीनों से कुदरत के साथ खिलवाड़ किया है, जिसकी वजह से अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अभी भी हिमाचल से बारिश का खतरा टला नहीं है, लेकिन अभी तक जो हालात हैं उसकी तस्वीरें सामने आई हैं वो काफी डरावनी है। कुल्लू से मनाली के लिए निकली जो रास्ते में फोर लेन हाईवे जगह जगह से धंसा हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यास नदी के तेज पानी के बहाव ने नव निर्मित फोर लेन हाईवे को जगह जगह से जमीन में दफन कर दिया है। तस्वीरें ऐसी है कि देखकर ही डर लगता है। हाईवे पर जगह जगह दरारें पड़ी हैं और हाईवे ब्यास नदी में जमीन दोस हो चुका है। अब आगे और कितना नुकसान होता है ये आकलन लगाना भी मुश्किल है। स्टोरी को आपके लिए तैयार किया है हमारे साथी मंचकार ऋषभ कांत। स्टोरी पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।